एप्पल ने अपना नया आईपैड लॉन्च किया जिसका सभी को इंतजार था और बता दें आपको कि आईपैड 8th जनरेशन और साथ ही द लेटेस्ट आईपैड एयर. What's so special about the iPad Air and why is it iPad Air? जानते हैं इसे खास फीचर्स और बताएंगे आपको सभी कुछ इस वीडियो में. आप देख रहे हैं टेक तक, मैं हूं श्रुति शर्मा. Let's get to know the iPad Air a little more better. And this is the iPad Air 2020 जो कि लॉन्च किया एप्पल ने. और आपको बता दें कि रीडिजाइंड बॉडी है इसकी विद फ्लैट बॉर्डर्स और सेकेंड जनरेशन एप्पल पेंसिल को ये सपोर्ट करती है. एप्पल iPad Air में आपको बताएं कि 10.9 इंचेस की लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिया गया है. One feature here that appears to be the integration of the Touch ID fingerprint sensor जो कि power button में ही दिया गया है. So fingerprint sensor and the power button are the same. So this is something new and looks quite good. iPad Air में दिया है A14 Bionic chipset और साथ ही आपको बता दें कि iPhone 12 सीरीज में भी माना जा रहा है कि A14 Bionic chipset ही दिया जाएगा और साथ ही इसमें 5nm प्रोसेसर भी दिया गया है. वहीं एप्पल की माने तो एप्पल का iPad Air ऑफर करता है 40% बेटर CPU परफॉर्मेंस एंड 30% बेटर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस देन द iPad Air 2019. मैं आपको बता दें कि iPad Air 2020 में काफ़ी सारे iPad Pro फीचर्स भी दिए गए हैं, सच एज मैजिक कीबोर्ड, USB-C, बेटर कैमरा परफॉर्मेंस एंड फास्टर LTE परफॉर्मेंस. यू कैन सी दैट iPad Air इज इन रोज गोल्ड, ग्रीन एंड स्काई ब्लू कलर, विच आर वेरी वेरी न्यू एंड वेरी अट्रैक्टिव. वहीं आपको बताएं कि 2360:1640 इसका रेजोल्यूशन है स्क्रीन का एंड 3.8 मिलियन पिक्सल्स आपको स्क्रीन पे मिलेंगे. वहीं आपको बताएं कि इसमें फुल लैमिनेशन दिया गया है, एंटी रिफ्लेक्टिव स्क्रीन दी गई है और यस, इसमें काफ़ी बेहतरीन डिस्प्ले आप देख पाएंगे. iPad Air में 7 megapixel कैमरा दिया गया है HD in the front with 1080p at 60 frames per second और वहीं बैक की बात करें तो 12 megapixel का कैमरा दिया गया है और इसमें आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K at 60 frames per second. वहीं iPad Air 2020 की कीमत बात करें तो शुरू होती है $599 से, यानी $600 से शुरुआत होती है iPad Air 2020 की. So this is the iPad Air 2020 और जैसे ही हमारे पास iPad Air 2020 आएगा आपको इसका पूरा रिव्यू देखें एंड वील टेल यू इफ यू शुड बाय इट और नॉट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एप्पल का मानना है कि नया iPad Air इज 2x फास्टर देन द विंडोज, इट्स 3x फास्टर देन द एंड्रॉयड टैबलेट एंड 6x फास्टर देन क्रोमबुक. Apple Pencil is something which is very special और Apple Pencils में अब लो लेटेंसी है, साथ ही अच्छी खासी शेप रिकॉग्निशन है इसमें, स्मार्ट सिलेक्शन है, अब आपके हैंड रिटन नोट्स को ये अब रिकॉग्नाइज कर सकती है. UI काफ़ी इसका कॉम्पैक्ट दिया है एंड द स्क्रिबलिंग इज ऑल द मोर बेटर विद अ न्यू Apple Pencil. So that was all about the iPad 8th Gen and iPad Air. और साथ ही आपको बता दें कि iOS 14 भी अब रोल आउट होना शुरू हो गया है. So जल्द आपके iPhones पे आपको मिलना शुरू हो जाएगा. हमने एक स्पेशल वीडियो डाला है iOS 14 पे, वो जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि इंडियन iPhone यूजर्स के लिए क्या खास स्पेशल iOS 14 फीचर्स आए हैं. तो जानना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो कैसा लगा ये भी बताएं एंड एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू सी मोर लेट अस नो.